मणिकर्ण में बारिश ने फिर एक बार तबाही मचा दी है। सेंच के पाशी में बादल फट गया, 10 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। गुरुद्वारा और शिव मंदिर गेट में भी मलबा भर गया। मनाली के करजा नाले में भी बाढ़ आ गई, लोगों के घरों और खेतों में भी पानी घुस गया है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जिला कुल्लू में अभी भी तबाही का दौर खत्म नहीं हो रहा है। कुल्लू जिले के विभिन्न इलाकों में जिनमें मणिकर्ण सेंच घाटी के रैला स्थित पाशी और मनाली कुल्लू वामतट मार्ग के करजा नाले में बाढ़ आने की सूचना है। मणिकर्ण में गुरुद्वारे के पीछे से अचानक भारी मलबा और पानी बाढ़ के रूप में नीचे की तरफ आया। इस वजह से मणिकर्ण में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय दुकानदारों ने भागकर जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस घटना में 10 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। दुकानों में पानी और मलबा भर गया, जबकि मणिकर्ण गुरुद्वारा और शिव मंदिर के गेट में भी मलबा और पानी भरा है। कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़े, हमारे साथी उन्हीं का रुख कर रहे हैं। मनीष, एक बार फिर बादल फट गया है यहाँ इस इलाके में, सैलाब बाढ़ जैसे हालात हो गए और एक तरह से मलबा लोगों को परेशान करने लगा है, यानी कि यहाँ इस इलाके में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही मनीष। बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो मौसम खराब चल रहा था और बीते कल कुल्लू जिला में जो है वो बादल फटने की घटना पेश आई थी। कुल्लू जिला के जो मनाली विधानसभा क्षेत्र के जो जगत सुख है वहाँ बादल फटने की घटना पेश आई थी, जिससे वहाँ पर काफी नुकसान हुआ था। साथ ही सेंच घाटी में जो है बीते दिनों भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ, वहीं बीते कल फिर से बादल फटने से जो स्कूल की बिल्डिंग है वो ढह गई थी और वहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात मणिकर्ण की जाए तो मणिकर्ण में जो है गुरुद्वारा के पास एक जो दुकान पहाड़ी से मलबा गिरने से जो है वहाँ 10 दुकानों को नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कुल्लू जिला है वो बारिश में जो आपदा आ रही है उसमें लगातार नुकसान यहाँ पर हो रहा है और जो राहत की स्थिति है वो अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो केंद्र की टीम है वो भी निरीक्षण करने के लिए कुल्लू पहुंची और लगातार जो नुकसान है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो राहत है वो अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। जी मुमताज, करजा नाले में भी बाढ़ की खबर है मनीष। बिल्कुल, जो मनाली विधानसभा का जो जगतसुख है, जगतसुख में बाढ़ आई है, करजा नाले में बाढ़ आई है और साथ ही चूरू का क्षेत्र है वहाँ पर लोगों के खेतों में काफी नुकसान हुआ है, काफी पानी जो है वहाँ पर घुस गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मनाली विधानसभा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है और कुल्लू जो पूरा जिला है, पूरे जिले में लगातार जो नुकसान की घटना है वो सामने पेश आ रही है। जी शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।